एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दिन से हमें इसकी वेट थी, तो आज आपकी वेट खत्म होती है। आज आपको जितने सिलेबस से टॉपिक रिड्यूस किए हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्लास 11th के लिए कुछ चैप्टर तो कंप्लीट डिलीट हो गए हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे एक चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पूरा चैप्टर आपका रिड्यूस हो गया है। कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल एक्सपेंशन कंप्लीट रिड्यूस हो गया है, आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है। प्लस जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट रिड्यूस हो गई है, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 1.4 के भी रिड्यूस हुए हैं। दो टॉपिक रिड्यूस किए हैं, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। सेकेंड चैप्टर आता है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस, तो इसमें जो थ्री सेट्स के प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो आपको नहीं करने हैं। प्लस जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशेंट है फंक्शंस का, वो भी आपको नहीं करना है। उसके ऊपर बेस मिसलिनियस में एक दो क्वेश्चंस हैं और सॉल्व एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर से रिड्यूस किया है, पर छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। टिक्नोमेट्रिक इक्वेशंस, टिक्नोमेट्री में आपकी फोर्थ एक्सरसाइज जो टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन के नाम से है, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट डिलीट हो गई है, वो आपको नहीं करनी है। फोर्थ चैप्टर तो पूरा ही रिड्यूस हो गया है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पोलर रिप्रेजेंटेशन था वही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और उसको रिड्यूस कर दिया है, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका बहुत इजी है। उसकी जो पोलर रिप्रेजेंटेशन की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट रिड्यूस हो गई है, और प्लस एक सप्लीमेंट्री जो लास्ट में बुक के लास्ट में एक्सरसाइज गिवन है आपको, उसमें स्क्वायर रूट फाइंड करते थे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी रिड्यूस कर दिया है। तो अब देखिए आपका सिलेबस कितना इजी हो गया है, आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। लीनियर इनइक्वेशन, ये पूरा चैप्टर है आपका, बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी चैप्टर है, इससे कुछ रिड्यूस नहीं किया है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें जो NPR यानी परम्यूटेशन के ऊपर बेस्ड और कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड जो फॉर्मूले थे उनके डेरिवेशन को रिड्यूस किया है, बाकी कोई टॉपिक इससे रिड्यूस नहीं किया है। बाइनोमियल एक्सपेंशन पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया है। सीक्वेंस सीरीज में लास्ट एक्सरसाइज में तीन फॉर्मूले के डेरिवेशन थे हमारे, काफ़ी बड़े बड़े डेरिवेशन थे, σn, σn² और σn³, वो तीनों डेरिवेशन आपके चैप्टर से हटा दिए गए हैं, ठीक है। आगे के चैप्टर भी देख, चैप्टर 10 में स्ट्रेट लाइन में जो लास्ट में सप्लीमेंट्री में एक्सरसाइज हैं वो एक्सरसाइज रिड्यूस की हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। तो जो चैप्टर पहले बुक में गिवन है वो चैप्टर कंप्लीट है, उससे कोई पोर्शन रिड्यूस नहीं किया है। कॉनिक सेक्शन में अभी कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने दिया है सिलेबस में उससे बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं क्लियर पता चल पा रहा है, तो इसको अभी आप समझें कि ये चैप्टर अभी आपका पूरा सिलेबस में है। 3D से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है। चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से कुछ रिड्यूस नहीं किया है। चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट रिड्यूस कर दिया है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपके तीन चैप्टर कौन कौन से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल और मैथमेटिकल रीजनिंग, ये तीन चैप्टर तो कंप्लीट ही डिलीट हो गए हैं। स्टेटिस्टिक्स में जहाँ पे मीन इक्वल गिवन है आपको और वेरिएबल की वैल्यूज अलग अलग गिवन है, वेरिएंस डिफरेंस है, उसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ पोर्शन को कम किया है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें कम नहीं किया है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि जब भी कुछ टेंशन होती है कि हाँ भाई इस बार क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, अभी तक आपकी रेगुलर स्टडीज़ भी स्टार्ट नहीं की गई हैं, तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज वाइज वही सेम फीलिंग आए जो आप क्लास में करते हैं। तो अगर आप 11th अपीयर हैं इस बार तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको हर एक्सरसाइज क्वेश्चन वाइज सेम कोशिश करते हैं कि जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही आपको पढ़ाया जाए, हर डिफरेंट क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। CBSE से कोई भी अपडेट आती है तो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये था आपका सिलेबस के रिगार्डिंग, अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि किस चैप्टर में क्या डाउट है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप 12th अपीयर हैं, 11th अपीयर या 10th अपीयर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस बहुत इजी वे में कराने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।